नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन की वजह से पलायन कर रहे कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों को 15 दिनों का समय देने पर वह विचार कर रहा है। कोर्ट ने अपना फैसला इस मामले पर 9 जून तक के लिए सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि संक्रमण के प्रकोप के कारण हजारों लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए और इन हालातों में वे अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। इस वजह से उनकी स्थिति बहुत ही दुखदायी हो गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश के साथ गरज और वज्रपात की संभावना है। हालांकि तापमान में गिरावट होने से गर्मी से राहत मिलेगी। झारखंड के दुमका में बादल छाए रहेंगे और आंधी धूल भरी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना है। निजी स्कूल फीस माफी पर बैठक 9 जून को। लॉकडाउन में निजी स्कूलों के फीस निर्धारण को लेकर 9 जून को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में निजी स्कूलों के साथ अभिभावक संघ के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। बैठक शिक्षा विभाग सभागार में 4 बजे से होगी। इधर विद्यार्थियों ने भी 3 माह का रूम रेंट माफी करने को कहा है। विद्यार्थियों के अनुसार जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में छूट दी जा रही है, उसी प्रकार 3 माह का रूम रेंट भी माफ किया जाए ताकि विद्यार्थी को राहत मिल सके। झारखंड में आज 93 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सिमडेगा से 30, हजारीबाग से 24, रामगढ़ से 7, लातेहार से 6, गढ़वा से 6, पूर्वी सिंहभूम से 15, धनबाद से 1, कोडरमा से 1, गुमला से 1, रांची से 1, पलामू से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 843 से बढ़कर 936 हो गई, जबकि 410 लोग स्वस्थ हुए और 7 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 236,000 है, जबकि 113,231 लोग स्वस्थ हुए और 6649 की मृत्यु हो गई। झारखंड में 7वां मौत सिमडेगा निवासी। झारखंड में 5 जून को सिमडेगा से एक संक्रमण पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई। सिमडेगा के इस संक्रमण पॉजिटिव मरीज की उम्र 70 साल थी और वह किडनी की बीमारी का इलाज करा रहा था। मरीज को गंभीर अवस्था में मेडिका से रिम्स लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि लगातार 2 लोगों की मृत्यु होने पर रांची के सिविल सर्जन ने मेडिका अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि मरीज को आइसोलेशन वार्ड में क्यों नहीं रखा गया। राज्य में आने जाने के लिए पास की वैधता खत्म, एंट्री पास अनिवार्य। झारखंड सरकार ने झारखंड के अंदर निजी वाहनों से एक दूसरे जिले में आने जाने या राज्य से बाहर दूसरे राज्य में जाने के लिए एंट्री पास की जरूरत समाप्त कर दी है। जबकि राज्य सरकार ने बाहर के राज्यों से झारखंड में आने वाले वाहनों के लिए एंट्री पास अनिवार्य किया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने लॉकडाउन 5.0 के बीच चल रहे अनलॉक 1.0 के मद्देनजर निर्देशों की सूची जारी की है। झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप से धरती हिली। झारखंड में शुक्रवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राज्य की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में सुबह 6:55 में धरती हिली। भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता 4.7 रिक्टर मापी गई। हम आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता काफ़ी कम होने की वजह से कहीं कोई भी नुकसान की खबर नहीं मिली है। किसानों के बीच बीज वितरण शुरू। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने नेपाल हाउस कार्यालय से बीज वितरण योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस साल करीब 15 करोड़ रुपए के बीज का आपूर्ति का आदेश राष्ट्रीय बीज निगम को दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो विभाग अनुपूरक बजट में और राशि का प्रावधान करेगा। हम आपको बता दें कि मंत्री ने कांके के 10 किसानों को बीज देकर योजना शुरू की है। स्थिति बिगड़ने पर केंद्र ने राज्य पर छोड़ा फैसला उड़ाव। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर जब स्थिति बिगड़ी तो केंद्र सरकार ने सारा फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन करने में यदि हड़बड़ी नहीं दिखाई गई होती तो सभी प्रवासी मजदूर विद्यार्थी अपने घर वापस आ जाते। डॉक्टर उरांव ने कहा कि भारत में मजदूर अभी बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें नगद पैसे से मदद करने की ज़रूरत है। गरीब लोगों को लोन देने की बात कही गई है, लेकिन यह फरमान व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री ने औद्योगिक घरानों के लिए फरमान जारी किया था जो बेअसर रहा। रामगढ़ में अंधभक्ति में फंसे महिलाएं ने की अनोखी किस्म की पूजा। ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास बढ़ते ही जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने सुबह स्नान ध्यान कर खेत व जंगल की ओर हाथ में लोटा और अन्य पूजा सामग्री लेकर निकल पड़ी।
महिलाओं ने खेत में पहुंचने के साथ ही 9 लड्डू, 9 फूल और 9 अगरबत्ती चढ़ाकर खेत में गड्ढा खोदा। उसमें सभी को डालकर दावा किया कि संक्रमण महामारी 2 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। विधानसभा कमेटी गठन को लेकर विधायक नाराज। विधानसभा कमेटी गठन को लेकर पक्ष विपक्ष में विधायक नाराज हैं। विधायकों का कहना है कि कमेटी गठन में वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया है। विधायक ने विधानसभा सचिवालय के कामकाज पर सवाल उठाया और कहा कि पहली बार चुनाव जीतकर आए विधायक को भी सभापति बना दिया गया, जिसे सुधारने की जरूरत है। नाराज विधायकों ने कहा कि कमेटी को संतुलित बनाना चाहिए और गठन में वरीयता का ध्यान रखना चाहिए था। झारखंड हाई कोर्ट ने संक्रमण से लड़ने के इंतजाम पर हेमंत सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को संक्रमण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर हेमंत सरकार से 3 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट ने जानना चाहा है कि प्रवासी मजदूर की जांच और उनके इलाज के क्या इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बाहर से आ रहे लोगों की स्वास्थ्य जाँच के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। पलामू ACB ने गढ़वा भवन निर्माण विभाग का इंजीनियर को 5,000 घूस लेते पकड़ा। गढ़वा समन्वय परिसर स्थित भवन निर्माण के कार्यालय अभियंता को 5,000 रुपये रिश्वत लेते पलामू ACB की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पलामू ACB की टीम ने उनके आवास पर छापेमारी कर 1,81,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। ACB की टीम ने बताया कि इंजीनियर ने निगरानी टीम को देखते ही पॉकेट में रखे रिश्वत की रकम को अपने कार्यालय के टॉयलेट में डालकर पानी चला दिया। उसके बाद टीम के सदस्यों ने हाथ धुलवाया, जो केमिकल लगा दिया गया था। झारखंड में उग्रवादी घटनाएं बढ़ी। बाबूलाल भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद से अब तक 41 छोटी बड़ी उग्रवादी घटनाएं हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही लोहरदगा में उग्रवादियों ने आतंक मचाया है, जो घटनाएं चिंता का विषय है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कहा कि संक्रमण ड्यूटी के दौरान राज्य की पुलिस बेबस व लाचार रही है। रांची रथ यात्रा को लेकर सरकार के निर्देशों का इंतजार। रांची में ऐतिहासिक मेला इस बार 329 साल बाद पहली बार नहीं लगेगा। 5 जून को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम को महास्नान कराया गया और दोपहर बाद भगवान एकांतवास में चले गए। रथ यात्रा की तैयारी को लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि हम सरकार और प्रशासन को साथ लेकर ही पूजा करेंगे, हम सरकार की रणनीति का इंतजार कर रहे हैं। चतरा में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल शुरू। चतरा जिला के मनरेगा कर्मी शुक्रवार से 3 दिनों के सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर प्रभाव पड़ा है। हड़ताल का कारण उपायुक्त द्वारा 14 कर्मियों के विरुद्ध की गई चयन मुक्ति की कार्रवाई बताई जा रही है। इधर चतरा के हंटरगंज प्रखंड में पुलिस द्वारा छापामारी करने पर चीतल का छाल और सींग बरामद किया गया। प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने पर लेनी होगी अनुमति। CM मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से दोहराया और कहा कि झारखंड से दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों का डाटा रखेगी, ताकि शोषण या किसी तरह की दिक्कत आने पर मदद की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर की वापसी बाकी है, जब तक सभी मजदूर लौट नहीं जाते तब तक वापसी की प्रक्रिया जारी रहेगी। झारखंड का हाल आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसा। महामारी के कारण झारखंड का हालात आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसा हो गई है। इसका असर अब सरकार के कामकाज पर दिखने लगा है। कम संसाधनों के चलते गठबंधन सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक खींचातानी करते दिख रहे हैं और लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। आय कैसे बढ़े इस पर विचार की जा रही है, पर कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। प्रवासियों को रोजगार देने के लिए केंद्र से मांगे 50,000 करोड़ वित्त मंत्री। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार से बकाया का 50,000 करोड़ रुपए मांगा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में स्थित केंद्र सरकार की कंपनियों पर राजस्व मद में करीब 50,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसे भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार कंपनियों को निर्देश दे। मंत्री ने कहा कि 5 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं, अभी और लौट रहे हैं। सरकार सभी को रोजगार देने के लिए योजना तैयार कर रही है। कपड़ा दुकानदारों का आंदोलन जारी। अनलॉक 1.0 के बाद झारखंड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में रेडीमेड गारमेंट
फुटवेयर, सिंगार आदि दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में धनबाद जिला चैम्बर ने जिला के सभी 55 चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से उपायुक्त अमित कुमार को उपरोक्त प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से कहा है कि व्यापारियों के सामने विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जो दुकान खोलने की अनुमति दे। विश्व पर्यावरण दिवस पर हेमंत सोरेन ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया और कहा कि हम अपने हिस्से का पौधा लगाएं और उसे सींच कर पेड़ बनाएं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने हिस्से का पौधा लगाने की अपील की। उन्होंने खुद भी अपने हिस्से का पौधा लगाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। भूख से किसी की मौत न हो, महिला शराब न बेचे, सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में भूख से किसी की मौत न हो, यह सभी जिला के उपायुक्त सुनिश्चित करें। अगर ऐसा हुआ तो यह शर्मनाक के साथ दर्दनाक भी होगा। हम सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से करना होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला के उपायुक्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बैठक कर निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं हॉट बाजार में शराब की बिक्री न करें, उन्हें बलपूर्वक नहीं हटाकर रोजगार से जोड़ने की पहल करनी है। जनधन खातों में 500 रुपये की अंतिम किस्त मिलना शुरू। महिला जनधन बैंक खाताधारकों को सरकार की ओर से नगद सहायता की 500 की तीसरी और अंतिम किस्त शुक्रवार से मिलने लगी। हम आपको बता दें कि अप्रैल और मई की किस्त 500 रुपये पहले ही दी जा चुकी है। पलामू जिला के पिपरा थाना क्षेत्र से भटकता हुआ हिरण को ग्रामीणों ने पकड़कर वन कर्मियों को सौंप दिया। ग्रामीणों के अनुसार हिरण को कुत्तों ने दौड़ा रहे थे। टाटानगर स्टेशन पर यात्रियों ने ट्रेन के रुकावट को लेकर जमकर हंगामा किया। रेल कर्मियों के समझाने के बाद शांत हुए। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलटी, जिसमें चालक समेत 3 महिलाएं घायल हुए। फिलहाल सभी ठीक हैं। रांची के गोदामों में छापा, रजनीगंधा व तुलसी जब्त। रांची कोतवाली पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के तंबाकू नियंत्रण सेल ने हरमू रोड व अपर बाजार स्थित गुटखा के कई गोदामों में छापा मारा और गोदामों से भारी मात्रा में गुटखा जब्त किया है। हम आपको बता दें कि सरकार ने रजनीगंधा सहित 13 गुटखा पर प्रतिबंध लगाया है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें।